ना सभी को नमस्ते। आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज का जो हमारा विषय है, विषय हमारे इस बार के टेट परीक्षा में भी दिया है, अतः सभी हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे उन सभी के लिए बहुत प्रयोजनीय है और बहुत साधारण विषय है, बहुत कठिन ऐसा विषय नहीं है। एकदम प्रारंभ से हमने, जब हम कक्षा चौथी पांचवी में थे तभी से हमने इस विषय को प्रारंभ किया है। आइए आज उसकी ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा विषय लिंग परिवर्तन है। लिंग बोलेंगे तो अक्सर हम दो ही प्रकार के लिंगों को हिंदी में जानते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे विभिन्न प्रकार के दूसरे लिंग होते हैं, पुल्लिंग क्लीवलिंग उभय, विभिन्न प्रकार के लिंग दूसरे विषयों में हो सकता है, असमिया में है, बंगाली में है, फिर संस्कृत में जाएंगे तो तीन अलग अलग प्रकार के लिंग आ जाते हैं। ऐसा लिंग का यहाँ पर हिंदी में कोई ऐसा चलन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार के लिंग हैं और वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो ही लिंग होते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है अथवा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा करें। पहले हमें ज़रूरी क्या जानना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने छोटे से इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला तैयार किया हुआ है। आइए जानते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग कैसे बनाना, पहले एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, लिंग बोलेंगे तो लिंग वो एक चिन्ह है जिससे हम मादा मतलब स्त्री और नर मतलब पुरुष, इस दोनों जातियों में भेद प्रकट कर सकते हैं। दोनों में कोई, जैसे उनके बीच में समानता हुए होते हुए भी कुछ असमानताएं तत्व होते हैं, उनसे हम स्त्री और पुरुष के बीच में भेद प्रकट करते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि कौन सा पुरुष जाति का है और कौन सा स्त्री जाति का। ऐसे हम जीवित वस्तुओं को देखकर, पशुओं को देखकर, इंसानों को देखकर तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन हिंदी साहित्य में, हिंदी जो हमारा विषय है, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझना बहुत ही कठिन, थोड़ा कठिन विषय है। अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ही ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस बेल आइकन पर क्लिक करके ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से मिलेगा। अन्यथा आइए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला आज यहाँ देखते हैं। आइए, जब आकारांत, आकारांत और, देखिए यहाँ पर खूब स्पष्ट लिखा है, अकारांत और आकारांत शब्दों में ईकारांत करके, जब कोई एक शब्द आए जिसमें आकारांत हो और या तो अकारांत हो, अ और आ, अ और आकारांत मतलब वो अंत में ऐसा शब्द बनकर आए तो उसको ई कारांत बना दीजिएगा। ई कारांत, ई कारांत दीर्घ बोल रहा हूँ, ई कारांत बना दीजिए तो वो स्त्रीलिंग स्वतः ही बनेगा। जैसे देव देवी, बेटा बेटी, पहाड़ पहाड़ी, ऐसे जितने भी आकारांत और अकारांत शब्द आते हैं उनको दीर्घ ई की मात्रा में आप ई कारांत बना दीजिए, स्त्रीलिंग बनेगा। दूसरा, अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में इया प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय मतलब शब्दांश, ठीक है, शब्द नहीं, पूर्ण शब्द नहीं, वो शब्दांश है। आइए देखें, आकारांत, देखिए अकारांत और आकारांत शब्दों में इया, इया छोटा इया, इया जोड़ देना है तो वो स्वतः ही स्त्री लिंग शब्द बनेगा। जैसे बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुड़िया। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से आप सोचिएगा, परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है, गुड्डा गुड़िया। हमें ये जो गुड़िया शब्द आ जाता है तो गुड़िया का पुल्लिंग क्या होता है, ऐसा मन में विभिन्न सवाल उठने लगते हैं। गुड्डा गुड़िया ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, अकारांत शब्दों को आकारांत बनाकर, अकारांत कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं उनको आप आकारांत बना दीजिए, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे प्रिय प्रिया, सुत सुता, आचार्य आचार्या, ठीक
ठीक इसी प्रकार आगे देखेंगे हम, इया प्रत्यय जोड़कर, इसमें इया प्रत्यय लगाना है, इया नायक नायिका, निवेदक निवेदिका, पाठक पाठिका। ठीक इसी प्रकार आइए और देखते हैं पांचवे में, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, वान और मान को वती और मती करके, बहुत आसान है, वान और मान को वती और मती करके आप पुलिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे, श्रीमान, ये जो मान आया इधर, यहाँ से मान हम ले सकते हैं, श्रीमान श्रीमती, रूपवान रूपमती, गुणवान गुणवती, इस प्रकार से। ठीक है, पुनः बता रहा हूँ, वान या मान को वती या मती बना दीजिएगा, पीछे जोड़ दीजिएगा, आराम से वो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। फिर आइए देखिए, नी प्रत्यय जोड़कर, यहाँ पर नी प्रत्यय, नी यहाँ पर बहुत सारे प्रत्यय के बारे में ही चर्चा है, अभी नी प्रत्यय जोड़कर देखिएगा, नी प्रत्यय जोड़ दीजिए, फिर वह स्वतः ही पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग बनता हुआ आपको दिखेगा। जैसे मोर मोरनी, सरदार सरदारनी, सिंह सिंहनी। ठीक इसी प्रकार से अन्य भी देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से आइए देखेंगे, आनी प्रत्यय जोड़कर, आनी प्रत्यय जोड़ते हुए भी हम बना सकते हैं। कैसे आनी प्रत्यय कैसे जोड़ा देखिए, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी। ठीक आनी प्रत्यय हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, पुलिंग शब्द के साथ आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो स्वतः ही स्त्रीलिंग बनता हुआ हम देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इन प्रत्यय जोड़कर, इन जैसे सांप सापिन, लुहार लुहारिन, मालिक मालकिन। ठीक इस प्रकार और क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, इनी, यहाँ नी नी दीर्घ बोल रहे हैं, इनी जैसे कैसे, इनी प्रत्यय जोड़कर अभिमानी अभिमानिनी। यहाँ पर और एक बात आपको ध्यान देना होगा, जहाँ पर इनी प्रत्यय जोड़कर आप पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, जो आपका इकारांत शब्द समाप्त हो रहा है पुलिंग में, उसको स्त्रीलिंग बनाते समय बड़ी ई को दीर्घ को, ये दीर्घ को हम यहाँ हर्ष बना रहे हैं, दीर्घ को हर्ष बनाकर पीछे नी जोड़ रहे हैं, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। जैसे अभिमानी अभिमानी, ये जो नी है अभिमानी, यहाँ पर जाकर अभिमानी नी, ठीक मतलब यहाँ का जो दीर्घ मात्रा है उसको हम यहाँ हर्ष मात्रा मतलब दीर्घ को छोटा कर रहे हैं, अभिमानी अभिमानिनी, क्योंकि यहाँ इनी प्रत्यय जोड़ना है हमें पीछे देखिए। ठीक उसी प्रकार हाथी 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 बड़ी हाथी, फिर हथिनी हथिनी, यहाँ नी में दीर्घ है क्योंकि इनी प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, हथिनी। स्वामी स्वामिनी में देखिए स्वामिनी, ये दीर्घ स्वामी, फिर स्वामी नी नी में दीर्घ हो रहा है, ठीक है स्वामी स्वामिनी। ठीक इसी प्रकार से ताक ताकारांत को त्री करके, जब कोई एक शब्द पुलिंग ऐसा शब्द आए जहाँ ताकारांत हो मतलब ता से वो शब्द समाप्त होता हो, उसमें हम त्री बना देंगे तो वो स्त्रीलिंग बहुत आसानी से बनता हुआ हम देख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभिनेता, ये जो ता ताकारांत अभिनेता, फिर अभिनेता को हम अभिनेता ता, फिर यहाँ हमने त्री बनाया, ये त्री जोड़ दिया, अभिनेता अभिनेत्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, वक्ता वक्त्री, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, हो सकता है इस बार परीक्षा में आ जाए, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिए या कंठस्थ कीजिएगा। फिर नित्य ऐसे शब्द हैं, ठीक नित्य ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग शब्द होता नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में ये हमेशा पुल्लिंग शब्दों के रूप में ही व्यवहार होंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में ही जानकारी चाहते हैं तो आप देख लेना इसको, ठीक
लेकिन ये जितने भी अभी हमने यहाँ पर शब्द दिए ये नित्य पुलिंग शब्द के रूप में व्यवहार होते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में इनका स्त्रीलिंग बनाने आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, मादा जोड़कर बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ नित्य पुलिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर, ये जो हमने लिखा ना मच्छर, मच्छर हमेशा पुलिंग शब्द है, ठीक ठीक उसी प्रकार चीता हमेशा पुलिंग शब्द, उल्लू उसी प्रकार से, खरगोश उसी प्रकार से पुलिंग शब्द है, खरगोश भी पुलिंग शब्द, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं, लेकिन उसका स्त्रीलिंग अगर बनाने आए तो हम आगे मादा जोड़ देंगे। जैसे मच्छर मादा मच्छर, यहाँ पर मादा जोड़ दिया हो गया, चीता मादा चीता, उल्लू मादा उल्लू, खरगोश मादा खरगोश, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ऐसा स्त्रीलिंग बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा जरूर, ये जितने भी शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग के शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप होता नहीं, लेकिन अगर बनाने आ जाए तो हम मादा आगे लगा देंगे तो इनका स्त्रीलिंग बनेगा। आगे और देखेंगे, ये भिन्न भिन्न, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग, इनके रूप बहुत भिन्न हैं, भिन्न रूप वालों को मैंने एक बार यहाँ आपको छांट कर दिया है कुछ 6-7 भिन्न रूप वाले, इनका कोई फॉर्मूला नहीं, इनमें कोई प्रत्यय नहीं, इनमें कोई आपको उपसर्ग नहीं, कोई ऐसा आकारांत इकारांत का बात नहीं आता, ये बहुत भिन्नार्थक है, बहुत भिन्न है इनका अर्थ, इनको आपको एक बार देखना है। जैसे देखिए भाई का भाभी, कोसो दूर, अंतर बहुत अंतर, कहाँ भाई कहाँ भाभी, ठीक, भाई भाभी भाभी, सम्राट सम्राज्ञी, सम्राट सम्राज्ञी सम्राज्ञी, याद रखना ज्ञों में बड़ी की मात्रा, फिर विद्वान विदुषी, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, साधु साध्वी, विदुर देखिए विदुर विधवा, वो विदुर नहीं जो हम महाभारत में जानते हैं, ठीक है, विदुर का जितना ज्ञान, ज्ञानी विदुर है ना, वो विदुर नहीं, जो जिसकी पत्नी मरी हो उसको विधुर बोलते हैं हिंदी में, विधुर विधवा, जिसका पति मरा हो, विधुर विधवा, मर्द औरत, मर्द औरत, कवि कब इत्री, कब इत्री, कब इत्री, बड़ी की मात्रा त्री, कब कब इत्री, बादशाह बेगम, वीर वीर, पुलिंग शब्द वीर, विरंगना वीर विरंगना, इतना आपको याद रखना। और हम एक देखेंगे अभी, ये तो हमारे जितने भी हमने लिखे सारे के सारे पुलिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के फॉर्मूला, और दो चार ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग से पुलिंग बनते हैं, दो चार ऐसे शब्द हैं, ऐसे इन सभी को हम बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा स्त्रीलिंग में व्यवहार में आते हैं और उनका पुलिंग रूप क्या होता है आइए देखें। कुछ ऐसे रूप जो मैंने अभी बताए थे आपको जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाना, कुछ कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका हम स्त्रीलिंग हैं उनको हम पुल्लिंग बनाएंगे, ठीक, स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको हम पुल्लिंग बना रहे हैं। जैसे देखिए मौसी मौसा, मौसी मौसा, जीजी जीजा, ननद ननदोई, ननद ननदोई या ननदोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से भेड़, हमें अक्सर भेड़ शब्द बोलेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन भेड़ शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखिए, भेड़ और भैंस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं हम, जैसे ये भेड़ भेड़ा, ये स्त्रीलिंग शब्द है भेड़, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि भेड़ तो पुल्लिंग शब्द है क्योंकि ऐसा मन में आता है, लेकिन याद रखिएगा इसको एकदम यहाँ पर कंठस्थ कर दीजिए, दिमाग पर रख दीजिए, भर दीजिए ताकि वो डिलीट ना हो पाए, ठीक है। भेड़ भेड़ा, भेड़ा बोलेंगे तो पुलिंग होगा, भेड़ बोलेंगे तो स्त्रीलिंग। और अभी मैंने बोला था भैंस, हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, प्रकट होता है कि भैंस बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो पुलिंग शब्द है, लेकिन भैंस स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। भैंसा भैंसा उल्टा दिखता है, भैंसा बोलेंगे तो स्त्रीलिंग जैसा लगता है, लेकिन भैंसा पुलिंग शब्द है, भैंस भैंसा, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए, भैंस भैंसा, और बहन बहनोई, इतना आपको यहाँ से याद रखना। ये ज़्यादातर मैंने आपको आसान
लेकिन कन्फ्यूजन करने वाले दो चार यहाँ पर निकाल कर दिए हैं। आज हम इतने में समाप्त करते हैं, और आपका कुछ प्रश्न बनता है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है तो मेरे यहाँ कमेंट बॉक्स पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, सब आखिर।